हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ इज वेल्थ। आज मैं अपनी सिस्टर्स से बात करूंगा कि कैसे कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के उपयोग से वे अपनी सुंदरता में और निखार ला सकती हैं। हाल ही में ऐश्वर्या राय ने खुलासा किया था कि वे जब एक साउथ की फिल्म के सेट पर पहुंची, तो डायरेक्टर ने कहा कि मेकअप उतार कर आओ, परंतु सत्य ये था कि उन्होंने मेकअप किया ही नहीं था। फ्रेंड्स, क्या ये संभव है? ये बिल्कुल संभव है। महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन में एस्ट्रियोल, एस्ट्राडियोल और एस्ट्रोन तीन तरह के हार्मोन होते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है एस्ट्राडियोल। फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एस्ट्राडियोल हार्मोन्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। गायनिक प्रॉब्लम्स ये भी एस्ट्राडियोल के कारण ही उत्पन्न होती है। ऐसे कई कारण हैं जिनसे एस्ट्रोजन लेवल इम्बेलेंस हो जाता है या फिर एस्ट्रोजन हार्मोन्स कम हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? बस आप कुछ मैजिकल एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है ओवरीज का। ओवरीज का पॉइंट हमारे बाएं हाथ में हम लेंगे, दोनों फिंगर्स के, इनके दो फिंगर्स इधर और दो फिंगर्स इधर, बीच में जो ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, इस ट्रायंगल को हम स्टिमुलेट करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा रिफ्लेक्सोलॉजी के अंदर ओवरीज को रिफ्लेक्स करता है। जब हम यहाँ इस पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं तो हमारी ओवरीज से जो हार्मोन्स आ रहे हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रियोल, सब रेगुलेट होते हैं। तो हमें करना कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास जिमी है तो जिमी से प्रेस करें, अगर आपके पास जिमी नहीं है तो हेयर पिन के पिछले भाग से करें। हेयर पिन भी नहीं है तो आप अपने अंगूठे से इसे स्टिमुलेट कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पॉइंट के ऊपर अंगूठा रखना है, प्रेस करना है, रोटेट करना है और रिलीज करना है। इसे हम 5 सेकंड से शुरू करके 30 सेकंड तक कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड सारे ग्लैंड्स का मास्टर होता है और वो उसे सभी ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है। तो हमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स को अच्छे से स्टिमुलेट करना है ताकि हमारे हार्मोन्स का बैलेंस रेगुलेट हो जाए। नंबर 3 पे जो हम आते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनी के ठीक ऊपर होता है और इससे जुड़ा हुआ होता है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, एड्रिनल ग्लैंड, हम इस चैनल के सहारे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारा किडनी होता है। किडनी के ठीक ऊपर उससे जुड़ा हुआ भाग एड्रिनल ग्लैंड होता है। तो हमें साथ साथ किडनी को भी पॉइंट दे देना है और एड्रिनल ग्लैंड को भी। हमारे शरीर में एड्रिनल ग्लैंड पेयर में होता है। चूँकि किडनी पेयर में होती है, एड्रिनल ग्लैंड भी पेयर में होता है। दूसरा ग्लैंड इस चैनल के सारे सारे यहाँ पे आएगा और ये किडनी है। किडनी के ठीक ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है, तो हमें इसे स्टिमुलेट करना है। चौथा पॉइंट जो हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए मैं बताने जा रहा हूँ वह है कलाइयाँ। कलाइयों में महिलाएँ चूड़ियाँ पहनती हैं। इस पॉइंट को हम इस तरीके से दबा के दे सकते हैं। आज के इस मॉडर्न ज़माने में महिलाओं ने चूड़ियाँ पहनना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से जो हमारे पूर्वज ये एक साइंटिफिक तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को रेगुलेट करने और हार्मोन्स को रेगुलेट करने का तरीका हमें बता गए थे, वो उसे हम नहीं अपना पा रहे हैं। हाथों में कलाई में, दोनों कलाइयों में और पैरों में जो पाइजेब पहनी जाती है, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ के लिए होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के हेल्थ के लिए होती है और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के बैलेंस के लिए होती है। लेकिन आज के समय में हमने इसका उपयोग करना बंद कर दिया है। तो मेरी ये भी सलाह रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पाइजेब और चूड़ियाँ पहनें और ओवरीज, पिट्यूटरी
एड्रिनल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उन्हें दें। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपकी सुंदरता में और निखार होगा इन पॉइंट्स के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आइए जान लें कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को कब देना है। हम दिन में 2 बार एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दे सकते हैं। दबाव हमें सहनीय दबाव देना है, ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं दबाना है और धीरे से भी नहीं दबाना है। भूखे पेट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स नहीं लेने हैं एवं खाना खाने के तुरंत बाद भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स नहीं लेने। इसके अलावा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल हेल्थ इज वेल्थ को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को हिट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। अगली बार मैं फिर कुछ टिप्स लेके आपके पास में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।